सिटी में आए दिन लगने वाले जाम से परेशान होकर एसडीएम सदर, सीओ सिटी और एआरटीओ शामली ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर की सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों, रिक्शाओं, टेम्पो और रेड़ों को हटवाने के लिए अभियान चलाया। शनिवार को अनेकों वाहनों के चालान भी काटे, साथ ही रिक्शा चालकों, ठेले वालों को चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया तो कठोर कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि शामली सिटी में आए दिन जाम लगता रहता था। जाम के कारण नागरिकों, व्यापारियों, छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कत होती थी। आलम यह था कि जब एक बार शहर में जाम लग जाता था तो उसे खुलने में घंटों लग जाते थे। शनिवार को एसडीएम सदर हामिद हुसैन, सीओ सिटी अमरदीप मौर्य और एआरटीओ रोहित राजपूत ने संयुक्त रूप से एक टीम बनाई और शहर की सड़कों पर निकले, जहाँ पर उन्होंने सड़क किनारे खड़े होने वाली रेहड़ी पटरी वालों, ई रिक्शा चालकों और सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग बनाने वालों को कठोर चेतावनी दी। साथ ही टीम के द्वारा कई अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पाए जाने पर वाहनों के चालान भी किए। सीओ सदर अमरदीप मौर्य ने बताया कि लगातार जाम की शिकायत मिल रही थी, इसी के कारण आज ही अभियान चलाया गया। अगर आगे भी किसी ने अवैध रूप से सड़क पर कब्जा करने का प्रयास किया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टीम के साथ अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, शहर में क्या पूरा मामला है सर? आज कोतवाली क्षेत्र में पूरे जो है सिटी सर्किल को, चूँकि जाम की स्थिति बहुत बनी रहती थी, काफ़ी जो है ठेले के द्वारा और ई रिक्शा के द्वारा सड़कों पर अवैध रूप से जो है लगे थे, उनको हटवाया जा रहा है ताकि जो त्यौहार है दीपावली है और आगामी जो अन्य त्यौहार है उनको सहकुशल मनाया जा सके और सड़क पर कहीं भीड़ और जाम की समस्या न रहे। सर हिदायत दी जा रही है, चालान भी करे जा रहे हैं? चालान भी करे जा रहे हैं, हिदायत भी दी जा रही है, आगे भी कार्रवाई होगी। सर जो वाहन कल भी खड़े करेंगे उनका जी, कल वाहन खड़े करेंगे कुछ कल भी कार्रवाई होगी, लगातार कार्रवाई होगी और इसको जो है जाम मुक्त किया जाएगा।